कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गुजरात बनासकांठा पहुँचे थे। उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। इस हमले में राहुल गांधी जी बाल बाल बचे, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए। मैंने इसी सदन में बीजेपी के बहुत से बड़े बड़े नेता और सरकार के ओर से भी एक वक्तव्य आया था कि जम्मू कश्मीर में जो पथरावबाजी हो रहे थे वो टेररिस्ट कर रहे हैं, ये हम सब मानते हैं। लेकिन गुजरात में कौन से टेररिस्ट आए, वो कौन से थे, मैं वो पूछना चाहता हूँ। क्या जम्मू कश्मीर से टेररिस्ट आए थे? क्या गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता टेररिस्ट बनके इनकी जान लेना चाहते हैं? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही, या इसकी जानबूझकर अनदेखी गई, ये भी देखने वाली बात है। यह भी सच है कि श्री राहुल गांधी को एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त है। राज्य पुलिस ने उन सभी स्थानों पर जहां श्री राहुल गांधी को जाना था, स्टैटिक गार्ड, रूट बंदोबस्त, मोबाइल पेट्रोलिंग तथा कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए थे। और राज्य पुलिस द्वारा बुलेट रेस्टोरेंट कार, जिसे बीआर कार बोलते हैं अध्यक्ष महोदया, और उसके साथ साथ जयमर्स कार की भी व्यवस्था वहां की राज्य सरकार ने की थी। थावर हेलीपैड पर पहुंचकर श्री गांधी, जो बीआर कार होती है जिसे बुलेट रेस्टोरेंट कार बोलते हैं, की तरफ जा रहे थे। तभी उनके पर्सनल सेक्रेटरी पीएस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नान बीआर यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन में बैठने के लिए कहा था। श्री गांधी ने एसपीजी टीम, कन्वाय मार्शल तथा स्थानीय पुलिस की बात की जगह अपने पीएस की बात को माना, पुलिस अधिकारियों की बात को नहीं माना। लोगों से मिलने के लिए बार बार वह वाहन से उतरते रहे तथा सुरक्षा मानदंडों का बराबर उन्होंने उल्लंघन किया। ऐसे स्थानों पर भी रुके जो और ऐसे स्थानों पर भी वह रुके जहां पर कि उनका कोई कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था ही नहीं। जांच के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी गुजरात की पुलिस ने किया। यह उल्लेखनीय है कि श्री गांधी को बुलेट रेस्टोरेंट कार का प्रयोग करना चाहिए था, जो एक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के रूप में उनके द्वारा अपेक्षित। ऐसा करने पर इस घटना के सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस को प्रभावी तरीके से निष्प्रभावी किया जा सकता था।